गुजरात और हिमाचल के नतीजों के साथ ही क्या ये कहना सही होगा कि नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है या फिर है ये मुमकिन, इसी पर चर्चा करेंगे, इसी तरीके से इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस देश ने देखा है कि अब पूरा का पूरा हिंदुस्तान, उसमें सिर्फ 4 राज्यों में रही है कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, 2-3 राज्य आप छोड़ दीजिए जिसमें बीजेडी है उड़ीसा में अलग राज्यों को, वरना बीजेपी का लगभग हर राज्य पर हो रहा है कब्जा। हिमाचल और गुजरात भी गया उनकी झोली में, सेंचुरी, कितना सेंचुरी के करीब पहुंच गई है बीजेपी। आपको अगर अपने लाइव सवाल पूछने हैं, आप सीधे सीधे बेबाक अंदाज में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अपना अंदाज था, और यकीन मानिए आखिरी के दिनों में ये जो 34 रैलियों की लिस्ट मैं लेकर सुबह से घूम रही हूँ, 10-15 दिन के अंदर 34 रैलियां प्रधानमंत्री ने की, वो एक बड़ी वजह है जीत की, क्योंकि जो गुस्सा लोगों में था, बीजेपी से गुस्सा है 22 साल से, ऐसे के ऐसे जेनरेशन हैं, यंगस्टर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस की सरकार वहां देखी नहीं, वो बीजेपी की सरकार देखी है, असंतोष बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा, लेकिन उसको बैलेंस और इवन आउट किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। तो 1 से लेकर 10 तक नरेंद्र मोदी, यानी मोदी नाम केवलम। अब सवाल यह है कि मोदी पर बीजेपी की निर्भरता किस हद तक रहेगी, कितने राज्यों में कितनी रैलियां मोदी कर देंगे, कहां पर नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना है, इस पर क्या जोर है इतना, या फिर 1 से 10 नंबर तक मोदी को रखकर ही पार्टी चलना चाहती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी नए नवेले अध्यक्ष बने हैं। अच्छा देखिए, एक कॉन्फिडेंस तो दिखा उनमें गुजरात में, जो उन्होंने रैलियां की हैं, हालांकि हमने देखा कार्ड बड़े अच्छे तरीके से खेले, जनेऊधारी ब्राह्मण, मतलब उन्होंने एक तरह से उजागर कर दिया कि हम भी हिंदुत्व की राह ही बीजेपी की करने वाले हैं और उन्हीं के रास्ते पे चल के उनको मात देना है, मात नहीं दे पाए, लेकिन कांग्रेस खड़ी हो गई ये कहना जरूरी होगा। देखिए 80 और 99 यानी 20 का फासला, पिछली बार कितना 62 के आसपास थे, वहां से 80 पर पहुंचना ये बताता है कि कांग्रेस को फायदा हुआ है, लेकिन फिर भी एंटी इनकम्बेंसी का चेहरा बनने में वो नाकाम रहे, यानी लोगों की नाराजगी को भुनाने में नाकाम रहे, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में आज भी विकल्प के रूप में नहीं देखी जा रही है। यानी आज भी तमाम राज्य ये चाह रहे हैं कि जिसका केंद्र में शासन है, जिसको प्रचंड बहुमत 2014 में मिला, हम उसकी सरकार अपने राज्य में बना लें। तो ये कहना कि नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है, उस पर एक सवाल जरूरी है, लेकिन वही सवाल ज्यादा लाजमी है। ये कहना कि मुमकिन है अभी भी राहुल गांधी पर उतना भरोसा कर पाना, थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। देखिए इन 3 महीनों में तो ताकत झोंकी, लेकिन छुट्टियों के बीच चुनाव लड़ने की जो आदत है वो नहीं चलेगी। हाँ प्रथम पूछिए, चेतन पाठक, चेतन जी पूछिए। पूरी ताकत, 200 गुना ताकत, मतलब इससे ज्यादा ताकत है नहीं उनके पास, क्योंकि यहाँ पर भी आप कहिए, आप देखिए 3 आंदोलनकारी थे जो कि दलित आंदोलन, पाटीदार आंदोलन करने वाले, हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश, इन्हीं तीनों के बल पर उन्होंने एक युवा असंतोष को स्वरूप देने की कोशिश की, ये तो पूरी ताकत उन्होंने झोंक दिया इससे ज्यादा। लेकिन हाँ, आप 5 साल बैठे रहिएगा, आखिरी के 3 दिन में जाइएगा, 30 दिन में जाइएगा या 3 महीने तक जाइएगा, उससे आप नहीं हरा सकते हैं नरेंद्र मोदी नाम के शख्स को। ठीक है, तो पहले ही अध्यक्ष बना दिया गया कि अगर हार मिले और उसके बाद अध्यक्ष बनाते तो कहते देखिए हार की श्रृंखला इनकी खत्म नहीं होती और कांग्रेस इनको अध्यक्ष बना रही है, तो बड़े ही स्ट्रेटेजिक तरीके से उनको मतदान हो जाने के बाद, मेहनत दिखा देने के बाद और नतीजों के पहले बीच में उनको अध्यक्ष बना दिया, तो ये कांग्रेस का तो एक तरीका रहा है। हाँ प्रथम, चलिए ठीक है, जैसे जैसे सवाल आएंगे हम और भी सवाल लेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही, लगे फिर सेंचुरी से गए, 99 पर पहुंच गई है बीजेपी, तो ऊपर नीचे हो रहा है आंकड़ा, 99 के आसपास है, लेकिन जो 150 टारगेट 150 करना है और ये सब, वो तो नहीं हो पाया है, और इसीलिए बीजेपी को अब ये समझना होगा कि जो लगातार नीचे आ रहा है उस पर क्या करें। प्रथम एक और सवाल है, मनीष बंसल, हाँ क्या ये बीजेपी की जीत होते हुए भी हार है, ये कई लोग कह रहे हैं और
कांग्रेस की हार होते हुए भी जीत है क्योंकि उनको 17-18 सीटों का फायदा हो रहा है। मुझे लगता है देखिए सरकार तो बीजेपी की बनेगी। आप देखिए कंपैरिजन कीजिए पश्चिम बंगाल, अगर 34 साल वहां पर वामपंथी दलों की सरकार रही और एक रिकॉर्ड रहा तो आप 30 के करीब तो पहुंच गए गुजरात में। इससे पहले जनता दल के साथ उन्होंने संयुक्त चुनाव लड़ा था, उसमें जीते थे, तो मिला के 32 साल हो जाते हैं अगर ये 5 साल जोड़ दीजिए। तो 3 दशक तक एक राज्य पर कब्जा करना, ये गुजरात की जीत कहलाएगी, एक बड़ी जीत। और फासला तो घटता है। कांग्रेस समर्थक प्रकाश चंद्र लोहार, पूछिए प्रकाश जी। ठीक है, ये भी दिलचस्प है ना। देखिए सर कि आप जो 80 सीटें आपके पास जा रही हैं वो तो आपको बड़ी अच्छी लगेंगी, आपको लगेगा उसमें ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, हमारी वाली सीट तो हमारी है। लेकिन जो 99 बीजेपी को जा रही है उसमें आपको छेड़छाड़ देखिएगा। या तो सबूत के साथ बात कीजिए या फिर देश के हर संस्था पर उंगली उठाना बंद कीजिए। जब इलेक्शन कमीशन ने हैकाथॉन के लिए तमाम पार्टियों को आमंत्रित किया, सबको साफ सुन गया, सब चुप हो गए, तब कोई नहीं गया, आप जाके अपनी बात तो रखते। हो सकता है आपको तरीका नहीं पता हो कि कैसे हैक हो सकता है, आप कहते हैं कि हमें हैक होता है नहीं पता है, लेकिन ये सीटों के नतीजे हैं जो सीधे सीधे कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, हम इसको स्वीकारने को तैयार नहीं है, हमें शक है, संदेह है, आप इसको खत्म कीजिए। तब हैकाथॉन के लिए जब बुलाया तब तो सब साफ सूख गया। अब जब नतीजों के हिसाब से अगर आप ईवीएम पर सवाल खड़े करेंगे तो वो सवाल दरअसल आपकी नीयत पर खड़ा होगा। शुभम कटियार, हाँ पूछे प्रथम। देखिए कांग्रेस पार्टी अगर राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगा सकती है तो हम और आप बियॉन्ड अ पॉइंट कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये जरूर है कि आप चिदंबरम की काबिलियत को एक तरफ देखिए, आप उनकी समझ को देखिए, कपिल सिब्बल को देखिए, कई ऐसे नेता हैं कमलनाथ जिन्होंने अपने गढ़ को लंबे वक्त से बचा कर रखा हुआ है, इधर सचिन पायलट हैं, युवा नेता हैं। कि वंशवाद की एक ऐसे दंश में कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है कि कई लोग तो ये मानते हैं कि राहुल गांधी नहीं हो तो शायद कांग्रेस ही बिखर जाए। तो गांधी नाम पर ही ये सारे एक साथ रहने को तैयार होते हैं, झुककर आगे बढ़ने को तैयार होते हैं, तो शायद ये एक वजह है। मयंक गौतम, ठीक है पूछिए। देखिए कांग्रेस पार्टी के हिसाब से सोचिए तो राहुल गांधी शायद ऐसे, मैंने वही बोला ना, इस परिवार के नाम पर सब चुप हो जाते हैं वरना कांग्रेस के बिखरने का डर होता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी में। प्रणब मुखर्जी को देख लीजिए, आप बड़े बड़े कद के नेता हुए हैं लेकिन अंततः डोर हमेशा गांधी परिवार के हाथ में रहा। तो नेता तो कई हैं और अगर शायद इससे पार पाकर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत ऑपोजिशन, एक मजबूत नेतृत्व मिले, लेकिन वो हो ना सका क्योंकि गांधी परिवार का साया ही ऐसा है और सोच ही ऐसी है नेताओं की कि उनको वहीं पर जाकर छाया जिसे कहते हैं दिखाई देती है। चलिए ठीक है, और भी जैसे सवाल आएंगे हम बोलेंगे, लेकिन राहुल गांधी को भी अगर आप देखें तो 30 रैलियां उन्होंने की, जहां 34 रैलियां प्रधानमंत्री ने की, 30 रैलियां राहुल गांधी ने की। वहां पर उन्होंने क्या हासिल किया क्या नहीं किया उस पर सवाल है, लेकिन 80 सीटों के साथ वो खड़े जरूर दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा की उम्मीद भी शायद पार्टी को नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने उनके अध्यक्ष बनने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया। कि इतना भी कर लिया तो मतलब उसको वो कामयाबी, क्योंकि आप देखिए ना यूपी में क्या हालत हुई, बिहार में भी जीत का श्रेय उनको थोड़ी जाएगा, वो तो आरजेडी और जेडीयू को जाएगा। इधर कैप्टन अमरिंदर ने सिंगल हैंडेडली पंजाब में जिताया, ऐसा नहीं है कि उनकी रैलियों की वजह से जीते। हाँ लेकिन गुजरात में एक आपको उनको एडवांटेज देना पड़ेगा और एक श्रेय देना पड़ेगा कि राजनीतिक जो तूफान है उसमें वो कूदने के लिए तैयार दिखे, रिस्क उठाने को, क्योंकि इस बार उनको पता है कि ये हार तो उनके माथे पे मड़ा ही जाएगा, पगड़ी बांधी जाएगी, लेकिन फिर भी वो कूदने को, इससे पहले तो खुलकर रिस्क भी लेने को तैयार नहीं दिखते थे। हाँ प्रथम सवाल जतिन मनावत, हाँ देखिए यहाँ पर तो नंबर्स लगातार गिर रहे हैं लेकिन मोदी मैजिक की वजह से गुजरात भी वो जीत पाए हैं ये भी कहा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि 2019 में, बल्कि बीजेपी के नेताओं से आप पूछे तो वो कहते हैं ये तो एग्जिट पोल है 2019 का, आप 2019 से ऐसे जीतने वाले हैं, ये उसका एग्जिट पोल आप समझिए। लेकिन ये ज़रूर है कि सूरज ऐसी जगहों पर बीजेपी का अच्छे से प्रदर्शन करना ये बताता है कि जीएसटी और नोटबंदी से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं थे। तो मुझे लगता है कि उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी ही, इससे घटेगी नहीं। अपने गढ़ को अपने घर को बचाना इनके लिए नाक का सवाल था,
वो जैसे तैसे बच तो गया है, सरकार तो इन्हीं की बन रही है। सिद्धार्थ तनु, हाँ कर्नाटक के इलेक्शन में कांग्रेस को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? पहले तो कांग्रेस को ही समझना पड़ेगा कि यही जनेऊधारी ब्राह्मण वाला स्वरूप दिखाना है राहुल गांधी का, या वहां पर जाकर चोला बदलना है। क्योंकि आप देखिए, इससे पहले अगर आपको याद हो, बीजेपी हमेशा ये कांग्रेस आरोप लगाती थी कि बीजेपी मुसलमानों की अनदेखी करती है, बीजेपी मुसलमानों को दबाती है। लेकिन गुजरात में क्या आपने एक बार भी ये बोलता हुआ किसी कांग्रेसी को सुना? नहीं सुना। क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर हम हिंदुत्व का सिर्फ झंडा बरदार बीजेपी को रहने देंगे तो ये चुनाव भी हमारे हाथ से गया। देखिए, सक्सेसफुल रही स्ट्रैटेजी कुछ हद तक, क्योंकि पाटीदार भी उनकी तरफ आए और कई वोटर्स उनकी तरफ आए। लेकिन अब कर्नाटक में वो स्ट्रैटेजी तो उन्हीं को बनानी है। अब ये चोला भी कैसे बदलेंगे इतनी जल्दी, क्योंकि ओरिजिनल जो उनका वोट बैंक और ज़्यादातर राज्यों में समीकरण है उसमें मुसलमान बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। तो वो चोला बदलना और नया पलटना तो अब बीजेपी को ही समझना, कांग्रेस को ही स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। आशुतोष आनंद, हाँ बीजेपी का वीक फैक्टर ये रहा कि पाटीदार आंदोलन को ये संभाल नहीं पाए। आप देखिए, ये पाटीदार अगर जो ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से इनके वोट बैंक थे, अगर वो टिक जाते, रह जाते, तो ऐसे लाले नहीं पड़ते कि 100 से सीट भी हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि पाटीदार जगहों पर गया। देखिए, रूरल में तो उनको भी पता था कि फार्मर डिस्ट्रेस है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। लेकिन जो पाटीदार है, अगर उस आंदोलन को ठीक से हैंडल किया होता, अगर उसमें कोई रास्ता निकाल लिया होता, उस आंदोलन को इतना बड़ा ना बनने दिया होता। क्योंकि कई इलाकों में, महसाणा जैसी जगहों में मैं गई थी, यही बोलते थे परिवार वाले, मारा क्यों, पुलिस ने मारा क्यों? इसका जवाब नहीं दे पाई बीजेपी कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे मिसहैंडलिंग क्यों की थी परिस्थिति के। युवा थे, लड़के थे, अपने बच्चे थे, आपको समझना था कि अगर उनमें से कोई उग्र हो भी रहा है तो आप उसको कैसे नियंत्रित करें। आपने ना उनकी लीडरशिप से बात की, आप अपनी नाक ऊंची करके घूमते रहे, फिर बाद में जब परिस्थिति बिगड़ गई तब आपको मुख्यमंत्री तक को हटाना पड़ा। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ी मिसहैंडलिंग रही है बीजेपी की तरफ से। किशोर प्रजापति, हाँ हाँ, अगर पाटीदार उनकी तरफ गए हैं तो जाहिर तौर पर ये तो जातिवाद का ही स्वरूप है। कि आपने देखा आरक्षण क्या है, आरक्षण जाति के आधार पर ही मांगने का उनका तरीका है। अगर उसके साथ वो आगे बढ़े हैं और उन्होंने वोट बैंक को अपनी तरफ किया है तो ये दिलचस्प है। लेकिन याद रखिए, चूंकि पाटीदार उधर गए तो कोहली है, ठाकुर है, उनमें से कई गए बीजेपी की तरफ, काउंटर कंसोलिडेशन हुआ, तो ये जाति के आधार पर एक दरार तो बनी है। वो तो आपको देखना पड़ेगा कि गुजरात किस तरफ जा रहा है। राजेश याग्निक, हाँ बिल्कुल, और इस बात को खुद प्रधानमंत्री से वित्त मंत्री मानते हैं, तो इससे पीछे वो नहीं हट सकते हैं। देखिए, जो टैक्स बेस है उसमें यही बार बार कहा कि जीएसटी में इन्होंने क्या किया, अलग अलग बकेट्स बना लिए और इतना परसेंट टैक्स के लिए इसमें सब डाल दो, फिर इतने परसेंट टैक्स के लिए इतनी चीज़ें इसमें डाल दो। मतलब जो रैशनलाइजेशन होना चाहिए टैक्स फिक्स करने के पहले, उसमें बहुत बड़ी कमी देखी। और ये सरकार से लोगों को शिकायत है कि आप जल्दबाजी में बड़े फैसले ले लेते हैं जिसको आप थॉरली सोचते नहीं है, जिससे आम आदमी सीधा प्रभावित होता है। कुछ संस्थाएं नहीं, आम आदमी, नोटबंदी, जीएसटी, मतलब ये डायरेक्टली व्यापारी को और आम कंज्यूमर को अफेक्ट करता है। तो उसमें आपको सोच समझ के रणनीति बना के चलना चाहिए, जल्दबाजी नहीं चलेगी। आशीष मिश्रा, कांग्रेस क्या दोबारा लय में आ रही है? देखिए, एक लय तो है, आपके शब्द के चयन पे मैं आपको बधाई देती हूँ, क्योंकि एक लय तो है, उन्होंने नब्ज तो पकड़ी है। अब देखिए, हिंदुस्तान में आजकल राजनीति ऐसे ही हो रही है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और वही कार्ड खेल रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन लय में आने का मतलब, अगर वो ये समझते हैं कि मैं बीजेपी की नकल करके, बीजेपी की फोटो कॉपी बन के, बीजेपी पार्ट टू बन के बीजेपी को हरा दूंगा, तो उनको सोचना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी तो है, एक आत्मविश्वास दिखता है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब क्या है? कि आप मोदी पार्ट टू बन रहे हैं, आप वही हिंदुत्व अपना रहे हैं, उस हथियार से आप कितना बीट कर पाएंगे ये महत्वपूर्ण होगा। राजू पटेल, हाँ बिल्कुल, आप अभी से तैयारी कीजिए, अब यही तो दिक्कत है। आखिर के 3 महीनों में छुट्टियों के बीच में लड़े हुए चुनाव आपको जीत नहीं दिला सकते हैं, ये डिस्क्लेमर है।
ये प्रिकॉशनरी नोट है राजनीति के फील्ड में। आप छुट्टियों के बीच में चुनाव लड़ने के लिए नहीं जा सकते हैं, आपको लगातार ग्राउंड पर एफर्ट करना होगा, वो किलर इंस्टिंक्ट भूख पैदा करनी होगी सत्ता के लिए, नहीं तो एक एक हाथ से ऐसे। अब चार बजे हैं कुछ कांग्रेस के हाथ में, चार राज्य सिर्फ। हरीश पंचाल, हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन बीजेपी का जो प्रेडिक्शन है वो कमोबेश एकदम सही बैठ रहा है। 105 106 के एवरेज थे और लोअर हमने दिखाया था 95 से लेकर 100। तो होता है, देखिए एग्जिट पोल एक साइंस है, लोगों से बातचीत की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिप्रेजेंटेशन करके उनसे राय ली जाती है, कितने लोग सच बताते हैं नहीं बताते हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो एग्जिट पोल पर आपका सवाल खड़ा करना भी जायज़ है और एग्जिट पोल पर अपनी बात कहना भी हमारे लिए जायज़ है। तो प्रथम कुल मिलाकर अब तस्वीर यही दिखाई दे रही है कि चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, बीजेपी की सरकार बन रही है दोनों राज्यों पे, एक और सरकार चला गया कांग्रेस के हाथ से और बीजेपी को नए सिरे से लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम लगातार घट रहे हैं, मोदी मैजिक पर हम कहाँ तक कब तक किस हद तक रिलाई कर सकते हैं। और राहुल गांधी को ये तय करना पड़ेगा कि संगठन मजबूत करना है, जमीन पर काम करना है, कभी कभी जाकर चमका देने से और हवाबाजी कर देने से चुनाव हिंदुस्तान में नहीं जीते जा सकते हैं। फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना ही पड़ेगा अगर आपको भारतीय राजनीति में अपनी पार्टी का वर्चस्व जिंदा भी रखना है, क्योंकि अभी तो जमीन पर मजबूती की जंग आप लड़ रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चार राज्यों पर सिमट जाना किसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए बहुत, और उसमें भी क्या क्या राज्य हैं आप देख लीजिए, कर्नाटक है, एक पंजाब अभी जीते हैं कैप्टन अमरिंदर अपने बलबूते पर, उधर मेघालय मिजोरम है, अगर ये भी गए हाथ से तो आप सोच लीजिए आपकी परिस्थिति क्या होने वाली है। और इन तमाम राज्यों में चुनाव बस आने ही वाले हैं। एक आखिरी सवाल जल्दी से ले लेते हैं, प्रथम पूछे पंकज कश्यप, हाँ पूछे। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि धूमल नहीं तो फिर जेपी नड्डा। स्वास्थ्य तो वैसे ही आप देख रहे हैं देश का, बीजेपी का और सबका क्या हो रहा है, बड़े पॉल्यूशन में हम लोग दिल्ली में जीते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर धूमल नहीं तो फिर जेपी नड्डा की तरफ जाएगी नज़र, लेकिन फिर ऐसे में सवाल होगा कि देश का स्वास्थ्य मंत्री कौन होगा। बहरहाल इस लाइव में इतना ही, आप लोगों के सवाल बड़े दिलचस्प और उसी के साथ जवाब भी उतना ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि गुजरात और हिमाचल देश की नब्ज को राजनीति के नज़रिए से नए सिरे से तय कर रहे हैं 2019 के पहले। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए आज तक के साथ।